आज 2,234 करोड़ रुपए की मालकिन बेयोंस के शुरुआती दौर की बात करें तो वे सैलून में लोगों के बाल काटने का काम करती थी। हालांकि उन्होंने अपनी मेहनत से पहचान बनाई। टेक्सास में जन्मी बेयोंस को लग्जरी लाइफ पसंद है। उनके पास अच्छा खासा कार कलेक्शन, मैंशन, याट, आइलैंड तक है। उन्होंने 2008 में रैपर जे जेट से शादी की थी। दोनों के 3 बच्चे हैं। बचपन से था म्यूजिक का शौक। बेयोंस को बचपन से ही गाने का शौक था। 8 साल की उम्र में उन्होंने गर्ल एंटरटेनमेंट ग्रुप के लिए ऑडिशन दिया और उनका चयन हो गया। इसी तरह वे धीरे धीरे वे अपने सिंगिंग टैलेंट के कारण आगे बढ़ती गई। हालांकि सफलता उन्हें आसानी से नहीं मिली। उन्होंने पैसे कमाने के लिए सैलून में काम किया। उन्होंने डेस्टिनी चाइल्ड नाम से ग्रुप ज्वाइन किया। 1997 में इस ग्रुप का साउंड ट्रैक फिल्म मैन इन ब्लैक में यूज किया गया, जो काफी पॉपुलर हुआ। धीरे धीरे वे इस ग्रुप की लीड सिंगर बन गई। गाने के साथ ही बेयोंस ने फिल्मों में एक्टिंग भी करना शुरू की। बेयोंस ने फिल्म ऑस्टिन पावर्स इन गोल्ड नंबर 2002 से डेब्यू किया। वहीं उनका डेब्यू एल्बम डेंजरसली इन लव 2003 में रिलीज हुआ। उनके इस एल्बम ने 5 ग्रैमी अवार्ड भी जीते। फोर्ब्स ने उन्हें 2015 का मोस्ट पावरफुल फीमेल एंटरटेनर घोषित किया था। वहीं 2016 में उन्हें पर्सन ऑफ द ईयर की लिस्ट में शामिल किया था। इस लिस्ट में 6वें स्थान पर थी। यदि दोस्तों आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ।